गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश पेट्स में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए जल्दी से अपने 25 पैरेट की प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जो मेरे घर में है, मेरे कमरे में है, मैं उसकी प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कॉलोनी में जो इतने ब्यूटीफुल कलर हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंडे मुझे अनफर्टाइल लग रहे हैं, तो आज मैं उसको उधर ही शिफ्ट कर दूंगा उन लोगों के साथ, क्योंकि अभी एज नहीं हुई ना। चार अंडे थे यार, चारों खराब हैं। तो चलिए जल्दी से आपको इनको दिखाते हैं। ये स्पेंगल का मेल और ये फीमेल, चार अंडे यार आज का जी। 25 दिन हो गए हैं अंडे नहीं फूटे हैं। मैं इसकी कैंडलिंग करूंगा अभी, उसके बाद देखता हूँ कि शायद ये अनफर्टाइल हैं, तो मैं इनको उधर ही शिफ्ट कर दूंगा, उन लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन इनको अलग केज में रखूंगा, क्योंकि ताकि इनका पेयर ऐसा ही बना रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर हैं ये, और मैंने इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकलेंगे, इस वजह से इनका पेयर नहीं तोड़ूंगा मैं। ये देखिए ऐसे के ऐसे बने हैं अंडे, काले होते जा रहे हैं मुझे लग रहा है सफ़ेद से, आप लोग देखिए जरा। तो ये रहा, देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही मैं अपने कॉलोनी में रखूँ सारे बर्ड्स को इसी तरह से जो है। और ये रही इसकी फीमेल, तो चलिए इनको जल्दी से निकालते हैं। तो सबसे पहले उधर चलते हैं कॉलोनी की तरफ, ताकि उसमें से केज ले आऊं, फिर केज में लेके जाऊंगा इनको। सारे बर्ड्स ये बैठे हुए हैं, एक ताला लगा हुआ है, इसको तुरंत खोलकर, एक केज है इसमें, उसको निकालते हैं, फिर उसी में इनको लेकर आते हैं। केज के अंदर आ गए हैं, ये देखिए मेरी रैबिट फीमेल और ये सभी बर्ड्स उड़ रहे हैं इतना में ही। तो सबसे पहले गेट को बंद करते हैं, नहीं तो उड़ जाएंगे सब। और इनको भी आपको बाद में दिखाएंगे किस तरह से सारे कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर हैं, मैं भी बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको, ये रहा गेट, इसको लेके चलते हैं बाहर और सबसे पहले इसको खोल देते हैं। ये देखिए ये इसी में रहती थी, इस वजह से इसको, ताकि इसका गेट ना बंद हो, इस वजह से इसको लगा दिया था। और इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं, इसका जो बैठने वाला है झूला। ये देखिए ये भी हो गया, खुल गया। ये देखिए किस तरह उड़ रही है सब। ऐसे लग रहा है, देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये बैठी है। अभी इसमें और लेकर आऊंगा करीब 10, हाँ 10 तो लेकर आऊंगा, और अभी 5 पेयर और। तो चलिए जल्दी से उसके पास चलते हैं, इसको लेकर भी खोलते हैं। ये देखिए केज लिया है, तो अरे यार मैं तो इसको खोल कर ही चला गया था, अच्छा हुआ ये लोग उड़े नहीं। मेल ये है, फीमेल ये है। सबसे पहले मेल को पकड़ते हैं, उसको रखते हैं उसके अंदर। मेल को पकड़ लिया, देखिए कितना प्यारा कलर है इसका यार, मेरी ही नजर ना लग जाए इसको। देखिए कि टेल वगैरह देखिए। तो चलिए इसको केज में डालते हैं, जाओ अंदर जाओ। ये देखिए अब फीमेल को ना मटकी के साथ में ही निकालना पड़ेगा। ये देखिए इसको बिना मटकी के नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये देखिए चार अंडे थे, तीन ही मिले यार, एक और क्या हो गया। तो इसकी मैंने कैंडलिंग कर ली है, ये सारे अंडे खराब हैं।
चौथा अंडा भी खराब है। देखिए सबसे छोटा अंडा, ये देखिए कितना ज़्यादा छोटा है। ये फर्स्ट ब्रीड है, इसी वजह से मुझे लगता है सब खराब गए। अब 2 महीने बाद जब मैं फिर से मटकी लगाऊंगा तब ये अंडे फर्टाइल होंगे। तो इनको मैंने अलग कर लिया है, ये देखिए। अब लेके चलते हैं इनको अपने केज, मास्टर केज मतलब कॉलोनी में। तो कॉलोनी में आ गए हैं, इसको लेकर इसको साइड में रख देते हैं। हटो तुम यहाँ से, ये देखिए इसको साइड में रख दिया है। और इसमें स्टिक भी लगा देंगे एक। और अब आप लोग देखिए जरा मेरे बजीज को, देखिए कलर देखिए इनका। ये देखिए रैबिट जाके उसको परेशान कर रहा है। इतने ज्यादा बजीज मेरे पास, ये देखिए उसके पास सब जाने लगे अब धीरे धीरे करके। और हमारा रैबिट पूरे इतने बड़े केज में अकेले घूमा करता है, इसके लिए मेल लेकर आएंगे, व्हाइट कलर का मेल लेकर आएंगे इसके लिए। वो देखिए वो उसके ऊपर अभी से जाके दोस्ती करने लगा उससे। आप कलर जरा देखिए इनके बजीज के, इतने ब्यूटीफुल कलर। ये झूले पे बैठ गया एक आकर, लाइन से सब कितने ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। देखिए दूसरा भी चला गया उन लोगों के पास, ये देखिए और भी जा रहे हैं उसके पास। मैं बैठ के फिर दिखाता हूँ, देखिए एक और गया, एक और गया। मैं बैठ के दिखाऊंगा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आराम से, ये देखिए। और सब ऊपर ये लाइन से बैठे हुए हैं। देखिए इसको इसमें शिफ्ट कर दिए हैं और इसमें स्टिक भी लगा दिए हैं। और आप लोग बताइएगा कि मैं इनको कॉलोनी में छोड़ दूं या केज में ही रहने दूं। तो ये देखिए जरा, सब काम कर दिए हैं, दाना पानी भी दे दिए हैं उसको और उसको उधर शिफ्ट भी कर दिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार। पंखा भी नहीं है यहाँ पे अभी, तो मैंने सोचा यहाँ पे फालतू परेशान होंगे, वैसे भी अंडे इसके अनफर्टाइल हैं। तो अब 2-3 महीने बाद जब इस गर्मियाँ थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी, जब मैं मटकियाँ लगाऊंगा तब शायद ब्रीड करे और अच्छी ब्रीड करे, क्योंकि फीमेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। क्योंकि वो हमेशा हमेशा उसी मटकी में बैठी रहती थी, चाहे एक अंडा हो चाहे 2 अंडा चाहे 4 अंडा हो, वो हमेशा बहुत अच्छे से इनक्यूबेट करी है। मगर क्या करें यार, इसका अंडा
शायद पहले से ही खराब हो। चलिए तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए।